हेलो, ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रायंगल्स एंड फैक्ट्स एंड थ्योरम्स रिगार्डिंग द ट्रायंगल्स। ओके, तो ट्रायंगल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ कहिए, फैक्ट्स कहिए, थ्योरम्स कहिए, ठीक है, या रूल्स कहिए, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, अभी तक इसके पहले हम देख चुके हैं कि किसी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से जो पॉइंट फॉर्म होता था, उस पे जो एंगल बनता था वो किसके बराबर होगा। किसी ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर पॉइंट्स को अगर हम लोग बाइसेक्ट करते थे तो वो जिस पॉइंट पे मिलता था वो एंगल्स क्या होता है, ठीक है। अभी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रूल होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दो पॉइंट्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट्स पे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं। किसी ट्रायंगल में एक कोण के, किसी ट्रायंगल के, ट्रायंगल में कर दें, अगर किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में एक कोण के अंतःसंविभाजक, एक कोण के अंतःसंविभाजक दैट मीन्स कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ओके, और दूसरे कोण के, और दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ओके, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर द्वारा द्वारा बना कोण, द्वारा बना कोण तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है, तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। ओके, बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से पहले हम लोग देख रहे थे इंटीरियर और एक्सटीरियर, आई होप ये क्लियर होगा कि अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि व्हाट इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो उसी के आगे बढ़ते हैं। ये रूल क्या कह रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, बट रूल्स को याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर रूल्स नहीं याद होंगे तो क्वेश्चंस को करने में डिफ़िकल्टीज और टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है, जबकि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ठीक। ओके, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक कोण के अंतःसंविभाजक, दैट मीन्स कि एक कोण ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो और दूसरा क्या हो, एक्सटीरियर, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ओके, एक ट्रायंगल हमने मान लिया ए बी सी, ओके। हमने ये मान लिया कि एंगल ए का एंगल बी का हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ये हो गया, सॉरी। और अगर हम दूसरा देखें तो इस पॉइंट को अगर हम बढ़ा दें, सी सी को अगर हम बढ़ा दें तो ये इसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, ये वाला एक्सटीरियर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर दैट मीन्स अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, इसका बाइसेक्टर एक है ये, ओके, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं, अगर इस पॉइंट को हम क्या मान लें, पी, इस पॉइंट को हम पी मान लें, और ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल मान लिया थीटा, तो ये थीटा मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। अकॉर्डिंग टू थियरम अगर हम लोग देखें तो ये थीटा बराबर होगा इन दोनों के द्वारा जो कोण बनता है, ठीक है, तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। अच्छा, तीसरा कोण यहाँ पे कौन सा होगा, ये होगा तीसरा कोण, ये होगा। क्यों ये इसको मान रहे हैं, इसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ए बी पर भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, बी पर भी ऑपरेशन हो रहा है,
और सी पर भी ऑपरेशन हो रहा है, केवल ए पर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा कोण कौन सा मानेंगे, एंगल ए। ओके आई होप ये क्लियर होगा। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है दैट मीन्स कि ये वाला एंगल की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा बी बाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा एंगल बी बाई टू। ओके अच्छा देखिएगा, अगर ये एंगल को मैं मान लूँ एंगल सी है, इस एंगल को ओके ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को अगर मैं सी मान लूँ तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक लाइन पे जितनी भी लाइंस इंसिडेंट होती हैं किसी भी पॉइंट पे, उन सभी से बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं फाइनल कंक्लूजन निकालूँ तो यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर ये ऐसे कंप्लीट होता तो कितना होता 180 डिग्री। तो वही तो मैंने किया है, लेकिन ये वाला जो है इसका बाइसेक्टर है, दैट मीन्स कि अगर इस पॉइंट को मैं ई मान लूँ तो ए सी ई का बाइसेक्टर क्या है सी पी, दैट मीन्स कि ये एंगल अगर मैं बात करूँ इतना एंगल तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई टू। ओके क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है बाइसेक्टर है, तो जितना इधर होगा इतना इधर, दैट मीन्स कि ये टोटल एंगल 180 माइनस सी है, तो इसका हाफ कर देंगे 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। होप ये क्लियर होगा। ओके अब अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल बी पी सी, नाउ इन ट्रायंगल बी पी सी, बी पी सी में अगर हम लोग देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल सम इक्वल टू 180 डिग्री। ओके दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके तो सिंपल है, रखेंगे इसको, एंगल बी बाई टू है बी, पी कितना है, पी है हमारे पास थीटा। ओके पी हमारे पास क्या है थीटा, एंगल सी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, एंगल सी यहाँ पे हमारा होगा सी प्लस 90 माइनस सी बाई टू। ओके कितना हो जाएगा एंगल सी प्लस 90 माइनस एंगल सी बाई टू इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को मिला के होगा, ये दोनों को मिला के होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाके एंगल सी होगा। ओके क्लियर है? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करते हैं, एंगल बी बाई टू प्लस थीटा, ये एंगल और इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा एंगल सी माइनस हाफ सी, दैट मीन्स कितना हो जाएगा एंगल सी बाई टू प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, दैट मीन्स कितना 90 डिग्री। ओके तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू यहाँ पे लिख सकते हैं इसको बाई टेकिंग द एलसीएम ऑफ टू, ठीक है, प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है अगर मैं थोड़ा सा और इस पे गौर करूँ तो ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करूँ, इन ट्रायंगल एबीसी अगर एबीसी की मैं बात करूँ जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है उसमें अगर मैं देखूँ तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एंगल बी प्लस सी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, डिवाइड कर सकते हैं 180 डिग्री बाय 2 माइनस एंगल ए बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके यहाँ से ये कितना आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर देखें सिंपल कैलकुलेशन है, 90 और 90 क्या हो जाएगा कैंसिल टू ईच अदर, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए बाय 2 विच इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप वी नीड। ओके यही मुझे प्रूफ करना था कि थीटा, तो अगर फाइनली मैं लिखूं तो फाइनली मैं यहां पे लिख सकता हूं फाइनली कि एंगल कौन सा बीपीसी, एंगल बीपीसी इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए बाई टू, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ओके ये हमारा हो जाएगा फाइनल कंक्लूजन। ठीक है तो यहां पे अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो डजंट मैटर, लेकिन आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर इंटीरियर एंगल्स का एक बाइसेक्टर है दैट मीन्स बी का,
और किसी एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है सी का, जैसे यहाँ पे उससे मिलकर बनने वाला कोई एंगल है, तो वो तीसरा कोण, दैट मींस कि जिस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, उसके हाफ के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर होगा, आई होप ये क्लियर होगा। ये डायग्राम और ये रिजल्ट अगर याद है तो क्वेश्चंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस लिखते हैं, क्लियरिटी आएगी। ओके, किसी ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में कोण बी के अंतः समद्विभाजक, कोण बी के अंतः समद्विभाजक, ठीक है, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल सी के बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बिंदु पी पर मिलते हैं, मीट ऑन द पॉइंट पी। ठीक है, मीट ऑन द पॉइंट पी, ठीक है, यदि शीर्ष शीर्ष कोण दैट इज एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री हो तो एंगल बीपीसी का मान बताओ, एंगल बीपीसी का मान बताइए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, जैसा हमारा थ्योरम है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या रखा है, क्वेश्चंस को रखा है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी इफ मीट एट द पॉइंट पी एंड इफ गिवेन एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ बीपीसी। ओके, आई होप क्लियर होगा, हिंदी में भी लिखा है। तो आइए इसके डायग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल, बेसिक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, हमने बना लिया ए बी सी एक ट्रायंगल है, फिर क्या बोल रहा है, एंगल बी के अंतः समद्विभाजक, दैट मीन्स कि एंगल बी से हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, वी नीड टू ड्रॉ द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। ओके, तो ड्रा कर लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी के बाह्य समद्विभाजक, दैट मीन्स वी नीड टू ड्रॉ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी। ओके, तो एंगल सी का क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी। ओके, तो सी का क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेंगे, दैट मीन्स दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी। ओके, देन वी नीड टू ड्रॉ द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ सी। ओके, तो इसके बाह्य समद्विभाजक को भी हम ड्रॉ कर लेंगे, जो कि पॉइंट किस पे मिलता है, पॉइंट यहाँ पे मिलता है पी पे। ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ बीपीसी, या ओके हियर गिवन एंगल ए, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री, थीटा मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर हम लिखें, यानी कि जो अभी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी बराबर होता है थीटा किसके, एंगल ए बाई टू के, तो एंगल ए कितना है, 60 बाई 2, दैट मीन्स कि 30 डिग्री। बहुत आसान है, लेकिन जब आपको रिजल्ट पता हो तब, ठीक है, अगर आपको रिजल्ट पता है तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसी में अगर एक क्वेश्चन को मैं और ऐड ऑन करूं तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसा लिखूं, किसी ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी के अंतः समद्विभाजक एंगल सी के बाह्य समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। ओके, बिंदु पी पर मिलते हैं। ओके, यदि एंगल बीपीसी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो, 90 डिग्री हो तो, 90 नहीं, इसको ऐसा करते हैं, 90 की जगह लिख लेते हैं 45। ओके, 45 डिग्री हो तो एंगल ए का मान बताइए, एंगल ए का
मान बताइए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, हमारे दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को देख के एक बार डर जाएगा आदमी क्या है ये। ठीक है, बट ऐसा इसमें कुछ है वे नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ट्राइंगल विच इज गिवन, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो क्या करेंगे, ए बी सी एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी। ओके, एंगल बी का क्या है, एंगल बी का अंतः समद्विभाजक, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। ओके, तो क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर ले लिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, हमने ये मान लिया कि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है बी का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक पी पॉइंट पर मिलते हैं, तो इसका मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल, तो सी का एक्सटीरियर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, सी का एक्सटीरियर ड्रॉ कर लिया, और इसके एंगल का क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाइसेक्ट कर दिया, और वो पॉइंट किस पे मिल रहा है, पी पे। ओके, तो ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, पी। अगर ये एंगल क्या है, थीटा, यहाँ पे हमें एंगल ए को फाइंड आउट करना है, और थीटा इक्वल टू कितना दिया है, बीपीसी इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम हमारा क्या कहता है, हमारा थ्योरम ये कहता है कि एंगल बीपीसी इक्वल टू थीटा इक्वल टू एंगल ए बाई टू, ए बाई टू। तो यहाँ पे बीपीसी कितना है, 45, कितना दिया है, 45 डिग्री इक्वल टू एंगल ए बाई टू। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45, दैट मीन्स कि 90 डिग्री, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो कि आज का आखिरी रूल होगा। ठीक है, ओके, फाइन। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि एएम एंगल बीएसी का अर्धक है, का अर्धक है, तथा का अर्धक है, तथा एन परपेंडिकुलर टू बीसी हो, तो एंगल एम ए, एम ए एन वो क्या होगा। ठीक है, तो पहले सिचुएशंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिचुएशंस को ड्रॉ कर लें, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, उस ट्रायंगल का नाम हमने रख लिया ए बी सी। ओके, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ओके, बना लिया एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारे पास हो गया ए बी सी। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो थ्योरम कहता है वो ये कह रहा है कि ए एम जो है एंगल बी ए सी का अर्धक है, दैट मीन्स कि ये है, और यहाँ से इसका क्या करेगा, अर्धक है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हमने ये मान लिया कि ये क्या है, ए एम लाइन, इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ए एन जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है, और ए से एन, ठीक है, ए से एन एक लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए से एन, दैट मीन्स एक लाइन ये, जो कि ये मान के चल रहा हूँ कि ये कितना है, 90 डिग्री है, ये पॉइंट हो गया एन। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, एन। सिचुएशंस ऐसी ही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एंगल अगर यक्स है, तो ये एंगल भी कितना है, यक्स है। ठीक है, ये एंगल इसका बाइसेक्टर है, इसका क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं थ्योरम हमारा क्या कहता है। थ्योरम कह रहा है यम ए एन का मान बताइए, तो यहाँ से यम ए एन, दैट मीन्स ये एंगल, ठीक है, ये एंगल अगर हम थीटा मान ले, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है कि एंगल एम ए एन, ठीक है, एंगल एम ए एन इक्वल टू थीटा, इसकी वैल्यू होती है कि हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ओके, बिल्कुल आसान है, रिजल्ट्स याद रहेगा, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि ध्यान से सुनिएगा थ्योरम को, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें ए एम लाइन कोई ऐसी लाइन है जो एंगल बी ए सी का क्या है, अर्धक है। ठीक है, दैट मीन्स कि
बाइसेक्टर लाइन ऑफ, बाइसेक्टर लाइन है एम किसका, एंगल बी ए सी का, और ए एन लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, तो इसके बीच जो एम और एन के बीच बनने वाला एंगल है, दैट मीन्स कि एंगल एम ए एन वो बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल बी और एंगल सी के। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किस पे, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बी पे, दैट मीन्स जो रिमेनिंग एंगल होगा उनसे उनका अंतर और उसके हाफ के क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चंस करते हैं, क्लियरिटी आएगी। ओके एक क्वेश्चंस लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। ओके ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री। ओके यदि एडी एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करती है, करती है, और ए परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी सी, तो एंगल ई ए डी का मान बताइए। ठीक है, तो जो सिचुएशंस है, पहले सिचुएशंस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर सिचुएशंस को देखें तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिए ए बी सी, ठीक। ओके अब क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल ए बी सी हमने बना लिया। ओके फिर क्या कह रहा है कि बी ए सी, दैट मीन्स कि इसका बाइसेक्टर है, तो पहले मैं जो गिवन है वो नोट कर ले रहा हूँ, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, एंगल सी कितना है 40 डिग्री। ओके फिर क्या कह रहा है, ए डी बी ए सी का समद्विभाजक है, दैट मीन्स कि बी ए सी इसका बाइसेक्टर ये है। ओके ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स कि ये एंगल को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है, ये थीटा वन है तो ये भी क्या है, थीटा वन। ओके ये बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या करा है, और इस पॉइंट को क्या मानेंगे डी, ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी का। ओके फिर से क्या करा है, ए परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट मीन्स वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम ए टू ई परपेंडिकुलर। ओके तो यहां से ड्रॉ कर ले रहे हैं ए ई, ए ई परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ई e, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो यहां से हमसे पूछा है कि एंगल ई ए डी, दैट मीन्स ये थीटा, ये थीटा पूछा है, तो यहाँ से फिर से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि ए परपेंडिकुलर टू किसके है, बी सी के, ठीक है, ए परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड ए डी इज, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, तो अगर ऐसा है तो हैंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यानी कि प्रमेय से। प्रमेय हमारा क्या कहता है कि एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल टू थीटा, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ओके दैट मीन्स यहां से अगर मैं देखूं तो एंगल बी हमारे पास कितना है, एंगल बी हमारे पास कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 40 डिग्री, इसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, दैट मीन्स कि ई ए डी इक्वल टू थीटा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 60 माइनस 40 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 20, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 डिग्री, दैट मीन्स फाइनली यहाँ से अगर हम लोग लिखें, फाइनली ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, ये हमको रिक्वायर्ड था, ये हमें क्या था रिक्वायर्ड था, इसी रिजल्ट्स की मुझे तलाश थी। ओके ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके मिलते हैं कल नए टॉपिक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।